ये इनका कहना था, लेकिन मेरा कहना है कि जख्म पे मरहम नहीं चंदन भी होना चाहिए, जख्म पे मरहम नहीं चंदन भी होना चाहिए, आंसुओं को रोकने का फन भी होना चाहिए। हाथ उठाने से रुसवाइयां मिलती सदा, गुलाम जी इश्क में थोड़ा पागलपन भी होना चाहिए। अभी ये कह रहे थे क्या तुमसे प्यार करते हैं, अभी ये कह रहे थे तुमसे प्यार करते हैं और मुझे बेवफा भी ये बता रहे हैं। पहले डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, प्यार भी कर रहे हैं, बेवफा भी बता रहे हैं और पागल भी खुद को बता रहे हैं। लाया बारात लाया, घुंघटा उठाने आया, अपना बनाने आया वो। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। मंजूर बहुत पी रहा आजकल। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए चाहिए। उम्र सारी कट गई जिनको पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। लेकिन असर साहब जितने भी नौजवान कमेटी है सुनेंगे ये चार पिसरे, थोड़ा गर्मी बना के सुनेंगे कि सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है और बढ़ती है, और मेरी कमजोरियों पे जब कोई तनकीद करता है वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। लाया बारात लाया, घुंघटा उठाने आया, अपना बनाने आया वो। आया वो मेरा पिया घर आया।
कि लाख दरिया में लगाओ गोते, कि लाख दरिया में लगाओ गोते या उतर जाओ गहरे पानी में, वो बुढ़ापे में मिल नहीं सकता माल जो लुट गया जवानी में। हमारे लतीफ साहब कहाँ हैं? और मैं आपसे भी तवज्जो चाहूंगी। तोरा से राजी ना रे बलमुआ, तोरा से राजी ना। हमका झुनरी बिन तरसैले बलमुआ, तोहरा से अल्लाह खुश रखे। सुनेंगे साबिन, अभी ये कह रहे थे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं। हाँ ये बात अच्छा, गजल को आईना करने में वक्त लगता है और नई दुल्हन को संवारने में वक्त लगता है, और मरीज़े इश्क से कह दो ना हाय हाय करे, क्योंकि पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। मरीज़े इश्क क्योंकि इश्क कसबल निकाल देता है, इश्क सांचे में ढाल देता है, इश्क दुनिया से मिटा देता है, इश्क सूली पे चढ़ा देता है, इश्क में कूह की आई की और इश्क जिसने किया खुदाई की, इश्क करने में तो महदत का मजा मिलता है और इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। इश्क करने में तो महदत का मजा मिलता है, इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। तो भाई इश्क करने की जब तुम में ताकत नहीं तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए, इस तरह रोने धोने से क्या फायदा, जहर खा लीजिए और खाके मर जाइए। अभी आप सुन रहे थे हमारे कलीम भाई से कि हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेते हैं, बहुत कुछ लेते हो। लेकिन कौन कहता है कि हम मौसम का मजा लेते हैं? कौन कहता है कि हम मौसम का मजा लेते हैं, खिड़कियां तोड़ के दरवाजा लगा लेते हैं? कौन कहता है कि हम मौसम का मजा लेते हैं, खिड़कियां तोड़ के दरवाजा लगा लेते हैं, और तुझको छूने से तो कोरोना भी तो हो सकता है, तुझको छूने से तो कोरोना भी तो हो सकता है, इसलिए दूर से तेरी जवानी का मजा लेते हैं। वाह, और हमारे अरशद अंसारी साहब, उनकी जानिब से बहुत सारे रुपयों से नफा सा गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये कह रहे थे तुमको हमने चाहा है, तुमसे प्यार करते हैं, कहिए तो इसका जवाब दे दिया जाए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आप पियो, बेचारे को प्यास लग रही है, गला गला सूख गया है इनका। हाँ
तुमको हमने चाहा है, तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरा क्या कहना है सुनेंगे कि तुम तो धोखेबाज हो। सुनेंगे जितने भी हमारे नौजवान कमेटी वाले हैं सभी से तवज्जो, क्या गुलाम जी? तुम तो धोखेबाज हो, हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे। गुलाम जी रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। गुलाम जी Oh.